इसके टेस्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं आज पूरा एक से लेकर के जहां पर है, वहां पर मैं आप लोग को कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी चलिए एक्सप्लेनेशन so, की जरूरत आप लोगों को पढ़ने नहीं वाली है क्योंकि क्वेश्चन पेपर का अप्रोच ही वैसा नहीं है ठीक है और क्वेश्चन पेपर में मैं पहले से ही बता देती हूँ थोड़े से केस लॉज हैं ठीक है केस लॉस पूछे जाएंगे बट अगेन इट इज नॉट इम्पॉसिबल या ऐसा नहीं है कि वो केस लॉज uh, आपने कभी पढ़े नहीं है कभी सुने नहीं है बिल्कुल पढ़े हुए सुने हुए केस लॉज uh, है यहां पर बट अगेन क्योंकि केस लॉज है थोड़ी सी डिफिकल्टी हमें हमेशा से ही होती है बींग स्टूडेंट केस लॉज में से और जब भी ओपन बेरिक एग्जाम होता है तो हम सोचते हैं क्यों ना सब कुछ बेरिक में ही मिल जाए तो डोंट वरी देखते हैं क्या क्या चीजें से मिल सकती है क्या क्या चीजें मेरिक से नहीं मिल सकती है चलिए सो एट दी एंड हम एक बार इसका डिफिकल्टी लेवल भी डिस्कस uh, लेंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जाते हैं इट इज सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ जस्टिस के एस पुटोस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एम पी शर्मा वर्सेज सतीश चंद्र श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया या फिर गगन हर्ष शर्मा वर्सेज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन तीनों में से कौन से केस के अंदर आप लोगों का सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपहोल्ड किया गया था किसम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी uh, को चैलेंज करके किस केस में कॉन्स्टिट्यूनलिटी चैलेंज हुई थी उसकी और उसको फाइनली इनवैलिडी अनकॉन्स्टिट्यूशन बता दिया गया था सो द आंसर टू दिस इज श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अगर आप लोग नहीं जानते हैं इस केस के बारे में तो प्लीज थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जरूरी केस है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस कॉस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आई एक्ट uh, के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर इज नॉट अ वर्कमैन विद इन दर्व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ इन इनमें से किस केस के अंदर आप हुआ था द टीचर और टीचर इज नॉट वर्कमैन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग से सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन टू एस जो है वो आपको एक्सप्लेन करता है वर्कमैन एंड इन दस ऑफ ए सुंदर सुंदरम्बल वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ गोवा में ये अपहोल्ड किया था कोर्ट ने दैट अ टीचर डज नॉट कम अंडर दंडर द मीनिंग ऑफ सेक्शन टू एस विच सेबाउट दर्कमैन ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट चाइल्ड अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज ईयर ऑफ एज चाइल्ड अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज हिस्सोन्थ ईयर ऑफ एज चाइल्ड अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज एटीन ईयर ऑफ एज या फिर चाइल्ड अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड सिक्सटींथ ईयर ऑफ एज सो इजी क्वेश्चन है साथ ही मैं यहाँ पर आपको सेक्शन भी बता देती हूँ फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन टू सी के अंदर चाइल्ड जो है वो डिफाइन किया गया है एंड एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट द आंसर इज दिस ए ए ठीक है a के अंदर बताया हुआ है चाइल्ड मीज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज ईयर ऑफ एज यानी कि पंद्रह साल के नीचे जो भी होगा उसको हम चाइल्ड के डेफिनेशन में मानेंगे एज पर पॉ फैक्ट्रीज एक्ट ठीक है सेक्शन टू सी कहता है इसका चलिए अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे विच इज अबाउट दी आर्बिट्रेशन एक्ट सो ये दू एन मॉडल मॉडल लॉ एंड रूल्स डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट सो एज टू बिकम एन एड टू कंस्ट्रू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ कौन से केस में यह होल्ड हुआ था देखो मुझे लग पता है कि शुरू शुरू में इतने सारे केसेस देख करके आप लोग को थोड़ी घबराहट हो रही होगी कि बहुत सारे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं बट डोंट वरी आगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं आपके डायरेक्ट प्रोविजन भी हैं आप लोग के डायरेक्ट क्वेश्चन हैं सो सब जगह पर आपके केस लॉज नहीं पूछे गए बट हाँ केस लॉज है आप कह सकते हो कि 100 में से 10 क्वेश्चन जो है आपके केस लॉज है चलिए सो द यूएन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ठीक है इस पर्टिकुलर केस में इस चीज को अपहोल्ड किया गया था एंड बेसिकली इस केस में सेक्शन 34 uh, जो था आर्बिट आर्बिट्रेशन एक्ट का उसके अंदर ये लिटिगेशन किया हुआ था मतलब इस केस में जो प्रोविजन अप्लाईड था वो था सेक्शन uh, 34 क्लॉज 2 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट और वहीं पर इस ये जजमेंट जो है आपका आया था इस पर्टिकुलर केस के अंदर इट्स अ लैंडमार्क केस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन अब आते हैं सेक्शन 5 के ऊपर विच सेज द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7 क्लॉज 4 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट आर्बिट्रेशन कंसीडेशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेंड इन अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टी an exchange of letters telex uh, telegram or other or other means of telecommunication which provide which provide a record of the agreement an exchange of statements of claim and defense in which the existence of an agreement is alleged uh, by one party and not denied by the other party ठीक है सेक्शन सेवन जो है आपके आर्बिट्रेशन एक्ट का उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अब देखिए से आपको दो बातें समझ में आ जानी चाहिए कि जब आप Arbitration Act पढ़ेंगे, तो पूरा जरूर पढ़ लें आप ठीक है क्योंकि सेक्शन सेवन का भी क्वेश्चन है सेक्शन थर्टी फोर का भी क्वेश्चन है और वापस एक और क्वेश्चन आया है जो कि यहाँ पर आपको आर्बिट्रेशन एक्ट का इंपॉर्टेंट सेक्शन मार्क करने में हेल्प करेगा ठीक है इट्स एज एवर ऑफ द राइट टू ऑब्जेक्ट देव्यांस फ्रॉम दी

हुए कि आई डिड नॉट हैव द टाइटल और आई डिड नॉट हैव द कंप्लीट टाइटल एट द टाइम व्हेन आई साइन फॉर दिस एग्रीमेंट सो उसी के रिगार्डिंग यहाँ दिया हुआ है कि कौन सा प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट का ये मिस्टर ए को ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करेगा ये जो उन्होंने सेल डिनाई करी है उसको डिनाई करने के लिए अलाउ नहीं करेगा कौन से सेक्शन आपका बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट का सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज सेक्शन 150 uh, 115 व्हिच टॉक्स अबाउट द एस्टॉपिल ठीक है 115 से लेकर के 117 तक जो है आपके स्टॉपल के प्रोविजंस है और यहाँ पर स्टॉपल में क्लियरली दिया हुआ है 115 में दैट अगर आपने कोई भी डिक्लेरेशन किया है और उसकी वजह से किसी और इंसान ने कोई एक्शन ले लिया है कोई सामान खरीद लिया है बेच लिया तो फिर अब आप डिनाई नहीं कर सकते आपको वो चीज जो है यू विल हैव टू स्टैंड बाय दोस वर्ड्स चलिए अब आते हैं सेक्शन 8 के ऊपर द आर्बिट्रेशन एक्ट

और वहां जाकर के आपको पूरा प्रोविजन देख लेना है। चलिए, so, 26, uh, uh, तक, है ना, आपके चैप्टर ट्वेंटी वन ए का किस चीज के बारे में बात करता है सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंपॉर्टेंट uh, आपके आपका चैप्टर नंबर है सीआरपीसी का बहुत सारे लोगों ये पता भी होगा और नहीं भी पता है तो फिर वापस से इंडेक्स आपको पूरी बेरेक्ट भी खोलने की जरूरत नहीं है इंडेक्स में ही जाइए देखिए कि चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन ए क्या बोलता है और आपको आंसर मिल जाएगा इट टॉक्स अबाउट द्ली ऑफ प्ली बार्गेनिंग ठीक है चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम फ्रॉम हिजन ऑफ एंड इज डेल्ट अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड टेन ऑफ दी सी आर पी सी अगेन ईजी क्वेश्चन ये कई सारे बच्चों को याद भी होगा जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो डेफिनेटली याद होगा और अगर नहीं याद है तो फिर डेरेक्ट बेस क्वेश्चन है बिल्कुल आप लोगों का प्रोविजन आपको आंखों के सामने इंडेक्स में ही मिल जाएगा कहीं दूर भी जाने की जरूरत नहीं है ठीक है चलिए अब आते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन पे एक्स वाई जेड ज्वाइन दी अमाउंट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज सब्सिक्वेंटली एक्स वाई बिकम बिकमेजेबल कैन ए कंपेल टू पे तीन लोगों ने मिलकर के प्रॉमिस किया है एक बंदे को कि हम आपको पचास हजार रुपए देंगे उनमें से दो बंदे गायब हो जाते हैं तो क्या ये बंदा जिसको प्रॉमिस किया गया था कि पैसा मिलेगा वो तीसरे बचे हुए बंदे से पैसा निकलवा सकता है क्या वो उससे पैसा ले सकता है क्या डिमांड कर सकता है वो उससे पैसा दैट इज द क्वेश्चन एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए कैन ठीक है a can do that now let us talk about the 12th question which is delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall when the promise when the purpose is accomplished be returned or disposed of according to the directions of the person delivering them this process is termed as अब देखिए इसका जो आंसर है ना आपको अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है क्योंकि बहुत बड़ा पैराग्राफ है एक पूरा डेफिनेशन दे रखा है किसी एक पर्टिकुलर वर्ड uh, का यहां पर तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फटाफट से जाओ आपको जो लग रहा है इसमें देखो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें एजेंसी का बेलमेंट का कंटेन्जेंसी का गारंटी का पता ही है तो फटाक से जाओ इनके सेक्शन में इंडेक्स uh, में से सेक्शन देखो इंडेक्स में सेक्शन देखकर ही कहां पर बेलमेंट है फटाफट जाओ बेलमेंट के ऊपर और फिर रीड करो बेलमेंट का डेफिनेशन वहां क्या दे रखा है क्या एक्सप्लेन किया है बेलमेंट को ठीक है और फिर समझ आ जाए तुरंत अपना आंसर टिक कर दो ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज दर्टीन क्वेश्चन थर्टीन क्वेश्चन कहता है सेक्शन फोर्टीन ए बाय बाई दिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी एटीन रिलेट्स टू

इंडेक्स में देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा ठीक है एक्सपर्ट को एंगेज करने की बात करता है सेक्शन फोर्टीन ए नाउ लेट टॉक अबाउट द क्वेश्चन इज पार्लियामेंट मे एस्टैब्लिश आर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स अंडर विच इज इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन और वापस से इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है बेरट के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को अगर आप बाहर से ही इंडेक्स ही देखेंगे सीरियल नंबर ही देखेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है ठीक है चले सो तो द आंसर इज थ्री ट्वेंटी थ्री ए जहां पर ट्राइब्यूनल्स की बात करी हुई है अब आते हैं सेक्शन सॉरी क्वेश्चन 15 के अंदर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर द एडवोकेट्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 7 सेक्शन 17 सेक्शन 18 एडवोकेट्स एक्ट का क्वेश्चन है और अगेन मेरिट बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है क्या आंसर है इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन सेवन क्लॉज वन बी

Regarding qualification of the membership of bar council and the disqualification for such membership, the class and or category of persons entitled to be enrolled as advocates. C says the standard of legal education to be observed by universities in India and the inspection of universities for that purpose. And D says all of the above. तो अगेन इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है सीधे क्या करना है सेक्शन 49 खोल लेना 49 के अंदर जाकर के देख लेना कि इनमें से क्या क्या बातें बताई हुई है तो आपको मिल जाएगा कि ये सभी बातें वहां पर क्लियरली डाउन है

with the other conditions mentioned in the in this chapter mentioned under which section कौन सी si section के अंदर ये सारी conditions आपके adoption के लिए दे रखी है सो so बेसिकली एक वैलिड अडोप्शन की कंडीशन क्या होंगी ये कौन से में बताया हुआ है आप लोगों का टाइम जो है थोड़ा सा यहाँ पर एंगेज हो जाए एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेक्शन सिक्स ऑफ दिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ठीक है चलो अब आ जाओ सेक्शन 18 के ऊपर जो बताता है अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ Rights on Rights on Marriage Act 2019. Any pronouncement of talaq as defined under the Act by a Muslim husband upon his wife by words either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever shall be it shall be void, cognizable, compoundable. Kya hoga? So the correct answer is. D. It will be all of the above. It will be void also. It will be a cognizable offense. It will be a compoundable offense. Okay? Now, uh, question 19, pe, which says The Hindu Succession Amendment Act 2005 provides for women co-partially rights at par with the men, inheritance in rights in the agricultural land from her parents, at par with her brothers, inheritance of, of the self-acquired agricultural land of her deceased husband, or all of the above. आपका जो 2005 का अमेंडमेंट हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको ही ध्यान में रखते हुए सब चीजें पढ़िएगा और बहुत विमेन सेंट्रिक आपका एक अमेंडमेंट हुआ था जहां पर महिलाओं को या खास करके आप कह कर सकते हो बेटियों को एक बहुत खासा अधिकार दिया था कोपार्शन बना लिया गया था ठीक है सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अब किसी भी एग्जाम के लिए वो अमेंडमेंट बहुत जरूरी है पूरे हिंदू सक्सेशन एक्ट के लिए ही बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी काया पलट कर दी थी हिंदू सक्सेशन एक्ट की ठीक है सो अब जो है

then the later a from 18 to the last section are some 30 35 sections are there so from 18 to the 35 uh, to the last section it is about it talks about the adoption and section 18 jo hai usme khas karke wo aapko kya batata hai adoption aapka maintenance of wife ke bare mein bata raha hai so the correct answer to this question is section 18 शन टू क्लॉज ए ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन है और इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन सबसे अच्छी बात है कि इंडेक्स बेस्ड है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं आप जाइए सीधे जाकर इंडेक्स में चेक कीजिए कि सेक्शन एटीन क्या कहता है ठीक है आपका कुछ नहीं है तो आप ऑप्शन से ही समझ सकते हो कि आपको ऑप्शन के अंदर क्या जाकर के ढूंढना है डेरिक्ट में ठीक है फिर आते हैं इम्पोजिशन ऑफ कॉम्पनसेटरी कॉस्ट कॉम्पनसेटरी कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉल्स एंड क्लेम्स और डिफेंस इज डेल्ट अंडर विच सेक्शन? अच्छा क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है याद रखने लायक क्वेश्चन है है ना और इंडेक्स बेस तो है ही इज़ी क्वेश्चन है

फाइव रूल ट्वेंटी वन सो अगेन बहुत ही इंडेक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है फटाफट -पत से ऑर्डर फाइव खोलना है वहां मिल जाएगा आपको रूल ऑर्डर फाइव भी इनफैक्ट खोलने की जरूरत नहीं है इंडेक्स में मिल जाएगा ठीक है सो रूल ट्वेंटी ऑर्डर फाइव रूल ट्वेंटी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन फिर है क्वेश्चन क्वेश्चन इज वेदर ए एस बी रुपीज टेन थाउजेंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रेलिवेंट अंडर दस एक्ट यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन ये है कि क्या ए ओ बी को कुछ पैसे ओ करता है ठीक है ए जो है क्या उसको बी को कोई पैसे देने बनते हैं डज ही ओ एनीथिंग टू बी ठीक है टेन थाउजेंड रुपीज का अमाउंट है सो so इसमें क्या क्या स्टेटमेंट है जो एविडेंस के तौर पर एडमिसेबल हो सकती है या काम आ सकते हैं रेलिवेंट है द फैक्ट दैट ए आज सी टू लेंड लेंड हिम मनी ठीक है ए uh, ने सी को कहा था उसको पैसे देने के लिए फिर है डी सेड टू सी इन एज प्रेजेंस एंड हियरिंग आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रस्ट ए फॉर ही ओज बी टेन थाउजेंड रुपीज ए वेंट अवे विद विदाउट मेकिंग एनी आंसर इनमें से क्या चीज है जो रेलिवेंट है यहाँ पर इस बात को प्रूव करने के लिए कि बी जो है ए से एक्चुअल में दस हजार रुपए मांगता है मतलब ए को दस हजार रुपए देने हैं बी को उसने कभी उधार लिया है नाउ हीट मनी ये बात प्रूव करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट माना जाएगा सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दब ठीक है ये सभी स्टेटमेंट्स क्या होंगे रेलेवेंट हो जाएंगे नाउ द क्वेश्चन इज सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड बाय द पुलिस मे बी प्रूव्ड अंडर अब देखो एक वर्ड आ गया है यहाँ पर डिस्कवर्ड ठीक है सो so वो आपको वर्ड जो है सेक्शन 27 में देखने को मिल जाएगा

of persons specially skilled in such foreign law science or art or in question as to the identity of handwriting or finger impression are relevant facts this is given under which section so bahut important section hai theek hai aur bahut hi easy bhi hai ye agar aapne थोड़ा भी एक बार भी Evidence Act पढ़ा है तो आप तुरंत से समझ जाओगे कि Section 45 के अंदर जहां expert opinion की बात होती है वहां का ये question है ठीक है चलो आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अकॉर्डिंग टू to...

तो हम उसे पोल्यूटेंट uh, कहेंगे या फिर एनी सॉलिड लिक्विड गैशियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच कॉन्सेंट्रेशन एज मे बी और टेंड्स टू बी इंजूरियस टू द एनवायरमेंट एनी सॉलिड लिक्विड गैस इन सच कॉन्सेंट्रेशन एज इज टेंड्स टू बी इंजूरियस टू द एनवायरमेंट बताइए इसमें से क्या करेक्ट आंसर रहेगा आपका तो देखो बहुत ही आपका एक इजी क्वेश्चन है बट फॉर सम रीजन

Concentration as maybe or tend to be injurious प्रेजेंट इन सच कॉन्सेंट्रेशन ठीक है और यहाँ क्या सॉलिड लिक्विड प्रेजेंट इन सच कॉन्सेंट्रेशन एज मे बी आई able टू फिगर आउट द डिफरेंस also कि क्या डिफरेंस है ओके okay, यहाँ सिर्फ सॉलिड लिक्विड है यहाँ पर गैशेज भी है ठीक है सो ऑल द थ्री forms किसी भी फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस हो अगर वो एक certain concentration में आपके environment में अवेलेबल है So तो उट तो कर लोगे ठीक है? चलो अब आते हैं सेक्शन क्वेश्चन uh, 28 एट के ऊपर इट्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैनॉट एक्सरसाइज इट जूरिस्डिक्शन विदाउट रेफरेंस टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैनॉट exercise its jurisdiction with with reference to with reference to wildlife protection act Scheduled tribes and other traditional forest dwellers act public liability and insurance act the answer to this question is d both a and b Okay है चलो फिर next question is attempt to acquire sensitive information such as username passwords And credit card details and sometimes indirectly money by masquerading as a trustworthy entity is an electronic communication. In an electronic communication is known as ये जो ऊपर हरकत करी जा रही है इसको क्या कहते हैं? What is it called? क्या इसके लिए term use किया गया है? So the correct term is phishing. ठीक है? This is the correct option. फिर आते हैं, the plea bargaining is applicable only in respect of the offences for which the punishment of imprisonment is up to a period of. अगेन बेहरिक बेस question है, plea bargaining से है, कुछ नहीं करना है, वही chapter 21 a खोलना है, उसके अंदर plea bargaining का आपका uh, sections देखने हैं, और आपको वहाँ पर उसका आंसर जो है ready एकदम cooked available है, ठीक है, so the answer is seven years. Now, section question 31 pe, which is from a plain reading of section 195 crpc it is manifest that it comes into into operation at the stage when the court tends to take cognizance of an offense under section 190 clause 1 crpc and it has nothing to do with the statutory power of the police to investigate and uh, into an fir which discloses a cognizable offense in other words a statu the statutory power of the police to investigate under the code is not any way

से लेकर के करीब 12-15 क्वेश्चंस आपके हैं यहाँ पर केस के बट ठीक है 10 क्वेश्चंस ही हैं इनफैक्ट 10 से लेकर के 12 क्वेश्चंस ये दिस इज अपर लोअर लिमिट और कैलकुलेट भी बैठ कर कर लेना है। एक बार हम तीन साल के पेपर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर ठीक है सो so आप वहां पर देख सकते हो कि केसेस के कितने केसेस आ रहे हैं उनमें से कुछ जो लैंडमार्केस है वो आप लोग को डेफिनेटली आते ही होंगे जो नहीं आते हैं वो अपन पास्ट ईयर से करके एक बार चल चल देंगे ठीक है नाउ इंडेमिटी कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 67 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 127 और 128 किसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया हुआ है सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 33 पे पीक वर्सेज गर्नी इज अ फेमस केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है इनमें से किसका फेमस केस है ये द आंसर टू इट इज फ्रॉड ठीक है विच प्रोविजन अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नाइनटीन सेवेंटी थ्री डी इज विद प्रोसीजर टू बी अडोप्टेड बाई द मेजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड द कन्फेशन बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है हम अपनी आम भाषा में ही कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट ने क्या किया एक के बयान रिकॉर्ड करें एक के बयान मतलब कन्फेशन रिकॉर्ड किया वन में फिर आते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग कैन बी डन अंडर सेक्शन डैश ऑफ सी आर पी सी सबसे पहले तो अटैचमेंट वगैरह के प्रोविजंस कहाँ दिए हैं प्रोक्लेमेशन हो गया अटैचमेंट हो गया कहाँ दिए हैं प्रोविजन वहां जाओ फिर देखो जाकर के सेक्शन क्या दे रखा है ऐसे व्यक्ति के लिए जो कर गया है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के कारण रिगार्डिंग तो आपको सेक्शन 83 जो है उसका आंसर क्लियरली मिल जाएगा अब आ जाओ मेजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद द द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अंडर विद सेक्शन कौन से सेक्शन के अंडर मेजिस्ट्रेट जो है ही कैन डिस्पेंस विद दर्सनल पर्सनल अपेयर मतलब डिस्पेंस करना मतलब

So.

Yafir notice of forfeiture of property, management of property seized and or forfeited. Yafir identifying unlawfully acquired property. So, the correct answer to this question is A feature of property in certain cases. Hai? Ab aate hai, bar to take cognizance after lapse of the period of limitation is dealt with under which section? लिमिटेशन की बात कहां हुई है सीआरपीसी में सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेक्शन 168 ऑफ सीआरपीसी जहां क्लियरली प्रोवाइडेड है कि वंस द लिमिटेशन द सूट इज द लिमिटेशन हैज लैप्स्ड यू कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द पर्टिकुलर ऑफेंस ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज अ डिक्री होल्डर मीन्स any person in whose favour a decree has been passed or an order capable of execution has been made any person in uh, whose favour the decree has been passed or an order in uh, order incapable of execution has been made any citizen in uh, whose favour ab ye first wala hi dekh kar ke pata chal jayega ki answer kya hai iska hai na yahi hai decree holder जो है आपका अगर आप definition देखोगे C.P.C का तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ए ही इसका क्या है करेक्ट आंसर है फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर विच सेज अंडर द पेटेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेटेंटेबल इनमें से किसको पेटेंट नहीं किया जा सकता है एज पर द पेटेंट एक्ट एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव फिर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको हम वीपो बोलते हैं हैज रिप्लेस्ड द प्री एग्जिस्टिंग गैट और दी आर या या फिर इनमें से किसको रिप्लेस करके आपका वीपो आया है करेक्ट आंसर इज बी बीपी बीरपी विच मींस यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ठीक है Now, next question. Anuradha Basin versus Union of India on 10th of January 2020 relates to a challenge under Article 32 of the Constitution seeking issuance of an appropriate writ for setting aside orders of the government by which the by which all modes of communication, including internet, have been shut down in Jammu, Jammu and Kashmir. For setting aside the orders of the government by which a private property was sought to be acquired in Jammu and Kashmir. For setting aside orders of Jammu uh, of the government by which Jammu and Kashmir was constituted as a union territory.

ठीक है दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन का आंसर जो है वो है फाइव आपका ठीक है सो इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आप लोगों के लिए यहां आपके बेरेक तो आपके पास बहुत जाना है, 145 3 खोल के देखना है पढ़ना है आर नॉन एडवेबल द प्रोसीजर प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स आर लिबरलाइज ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑल ऑफ दी अबब है ना प्रोसीजर भी लिबरलाइज कर दिया गया है लोकल स्टैंडिंग का लिबरलाइज कर दिया है और प्रोसीडिंग आर ऑल्सो नॉन एडवर्सवेल ठीक है fir next question petitioner a professor of a political science of political science who had done substantial research and deeply interested in ensuring proper implementation of the constitutional provisions challenged the practice followed by the state of bihar in re, uh, in re promulgating a number of ordinances without getting the approval of the legislature the court held that the petitioner as a member of the public has sufficient interest to maintain a petition under article 32 this relates to the case of इनमें से किस केस के बारे में है ये पूरा स्टेटमेंट सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आपके से क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट का जो आंसर है वो है परमानंद कटारा वर्सेस Sorry, uh, DC Vadva versus State of Bihar. Then there is next question which says where the where a legal wrong or a legal injury is caused to a person or to a determinate class of persons by the reason of violation of any constitutional or legal right or any burden is imposed in contravention of any constitutional or legal provision or without any without authority of law or any such legal wrong or legal injury or illegal burden is threatened and. Such person or determinate class of person, by reasons of poverty, helplessness, or disability, or socially or economically disadvantaged position, unable to approach the court for relief, any any member of the public can maintain an application for an appropriate direction, order or writ of the high in the high court under Article 226. And in the case of breach of fundamental rights, such person or determinate class of persons uh, persons in the in this court under Article uh, 32 seeking judicial redress.

इट्स एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट और आंसर क्या है आपका एसपी गुप्ता यूनियन ऑफ ऑफ इंडिया द डेफिनेशन मनी अंडर लॉ सॉरी डज नॉट इंक्लूड से क्या है जो जीएसटी लॉ के अंदर आपके नहीं आता है मनी के अंदर नहीं आता है मनी के डेफिनेशन में नहीं आता है लेटर ऑफ क्रेडिट करेंसी हेल्ड इन न्यूमिस्मेटिक वैल्यू पे ऑर्डर या फिर ट्रेवलर चेक करेक्ट आंसर इज करेंसी हेल्ड इन न्यूमिस्मेटिक वैल्यू ठीक है अब आते हैं फिफ्टी वन फिफ्टी क्वेश्चन पे विच इज अंडर द आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए जीएसटी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अगेरी वेरी इजी एंड वेरेक्ट ओरियंटेड क्वेश्चन आर्टिकल ट्वेंटी ए खोलना और वहां आपको आंसर मिल जाएगा जीएसटी काउंसिल जो है वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता था करेक्ट आंसर प्रेसिडें डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर अब इससे ईजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता था आप लोग क्लियर ये तो बाईहार्टेड भी होना चाहिए और अगर बाइहार्टेड नहीं भी है तो आपके वेरेक्ट के अंदर आपको एक झटके में मिल जाएगा ठीक है चलो सेक्शन 2 एच इज द आंसर फिर है सेक्शन 50 क्वेश्चन 53 विच इज वॉलेंट्री थ्रोइंग और अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर नाउ दिस वाज एडेड बाय अमेंडमेंट है ना इनिशियली एसिड को लेकर एसिड थ्रोइंग को लेकर के हमारे इसमें आईपीसी में कोई ऑफेंस नहीं था सो ग्रेवियस हर्ट के अंदर ही लिया जाता था लेटर ऑन इट वाज एडेड इन सेक्शन थ्री ट्वेंटी सिक्स बी ठीक है आईपीसी के बी के अंदर इसको ऐड किया गया है, है। सेक्शन फिर आते हैं मैन हु इज स्टैंडिंग हियर इफ देयर वाज नो वॉन्ट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन पार्ट ऑफ एक्ट इज एन ऑफेंस ऑफ मर्डर एन ऑफेंस ऑफ कलपीपल नॉट एन ऑफेंस और एन ऑफेंस ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट क्या है इसमें से कुछ भी नहीं होगा उसका तीनों में से को, उसका कोई ऑफेंस नहीं होगा ठीक है ये आपके एक्सेप्शन में दिया हुआ है जहाँ पर जनरल एक्सेप्शन दिए हुए है आईपीसी के a question number 55, which says, uh, a, with the intention of causing z to be convicted of a criminal conspiracy, writes a letter of, uh, of imitation of z's handwriting purporting to be addressed to an accomplice in such uh, criminal conspiracy, and puts a letter in the place which he knows that the officers of the of the police are likely to search. a has committed the offense of. अब यहां पर इन्होंने आपको फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस या गिविंग फॉल्स एविडेंस कहने की जगह क्या कर दिया है आपको सेक्शन दे दिए सीधे है ना तो सीधे सेक्शन पढ़ना है जो कि आपके लिए अगर आपके हाथ में है तो ज्यादा इजी है क्योंकि इंडेक्स में सीधे जाओ देखो अगर आपको प्रोसेस समझ आ गया है कि क्या होता है तो फिर सिर्फ आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन नंबर ढूंढना बचता है है ना चलो सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस फिर है आपका इंडिया दैट इज भारत शैल बी आपके आर्टिकल वन का ही क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है इट विल बी कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स

In escape of a dangerous animal, the owner is strictly and absolutely liable to compensate compensate uh, the compensate all those who are affected by such accidents and such liability is not subject to exceptions. Yafir yeah, in escape of toxic gas, the enterprise is strictly liable to compensate all Who are uh, affected? A company or a corporation is not state and hence not liable for leak of toxic gas affecting the health of the people. So the first thing was up uh, was uh, upheld by the court. aur yahan par hi hum strict liability ki से बढ़कर के absolute liability की तरफ भी चले गए थे। यहाँ हमने कुछ certain cases में कहा था कि in particular cases में अगर ये चीजें हैं आपके act के अंदर आ रही हैं तो फिर आपके absolute liability है, ठीक है? ये बहुत important case है।

थिंग सो डन और डिलीवर दिस प्रिंसिपल इज नोन एज बहुत सही चीज है बहुत ईजी चीज है क्या कहा जाता है इसको क्वॉंटम मेरिएट क्वांटम मेरिएट जहां पर आप क्या कर रहे हो बेसिकली अगर आपको किसी की प्रॉपर्टी से जो आप

enforceable by law, enforceable contract, unenforceable by law. So it is very easy. The answer is A. theek hai chalo fir hai Under the Land Acquisition Act, the expression 'land' includes benefit that arise out of land, things attached to the earth, everything that is permanently fastened to anything that is attached to earth. बहुत आसान है ये हम हमें Land Acquisition Act भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए हमने T P में भी ये बात पढ़ी हुई है है ना? अब आ जाओ Temporary occupation of waste और एर्बल लैंड प्रोसीजर वेन डिफरेंस एस टू कॉम्पन प्रोवाइडेड अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट का क्वेश्चन है और इंडेक्स बेस्ट क्वेश्चन है ठीक है नहीं इंडेक्स में अगर समझ में आ रहा है तो सेक्शन नंबर्स देख लो ऑप्शन में से जाके देख लो और बेस्ट तरीका वही है कि क्वेश्चन तो या आंसर ठीक है मतलब आपके ऑप्शन किसी में से भी जाकर के आपको आंसर मिल जाएगा फिर है सूट सूट बाय पर्सन पर्सन डेल्ट के द्वारा जो फाइल करना है वो का, कौन से ऑर्डर में डील किया गया है और बहुत इजी है आपका ऑर्डर 33 के अंदर ये बात डील की गई है लेस द इंडियन एविडेंस एक्ट है ना बहुत इजी है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है ऐसे कि बेरक नहीं भी होती तो हम कर लेते

देखो अब ये बात जो है क्वेश्चन भी अच्छा है और आपके लिए जानने की भी बात है इनमें से किसको सेवन लैम्प ऑफ एडवोकेसी कहा गया है कौन से ऑप्शन में करेक्ट आंसर है इसका सो द करेक्ट आंसर इज ऑनेस्टी करेज इंडस्ट्री विथ एलोकेंस जजमेंट एंड फेलोशिप ठीक है इन सात चीजों को क्या कहा गया सेवन लैम्प ऑफ एडवोकेसी कहा गया है फिर है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी कंपनी लॉ का क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पूछ रहा है पब्लिक कंपनी में विच इज थ्री चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी सेवन पे एन एसोसिएट कंपनी एन एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच that other company has a significant influence, but which is a subsidiary company of the company having such influence, and includes a joint venture, a company in which that other company has a significant influence, but which is not a subsidiary company of the com uh, of, uh, company having such influence, and includes a joint venture company, yafir aapka option c, a company in which that other company has a significant influence, but which is not,

ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंट्री कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के ऊपर व्हिच से द सुप्रीम कोर्ट हैज लीगलाइज्ड लिविंग लिविंग विल्स एंड पैसिव यूथेनेशिया सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस इन द केस ऑफ बहुत uh, फेमस जजमेंट था बहुत फेमस केस स्टडी है अपने आप में ठीक है बहुत मूवी और इसके ऊपर आपका वो बन चुका है सीरियल वगैरह बन चुके एक पूरी बुक लिखी जा चुकी है इसके ऊपर अरुणा शानबाग का केस है अरुणा रामचंद्र शानबाग के केस में आ, ये आपका अपहेल्ड किया गया था सॉरी कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आपकी बात अपहोल्ड करी गई थी अरुणा शानबाग में नहीं अरना शानबाग में पैसे भी को रिकॉग्नाइज किया गया था ऑल ठीक है चलो अब आते हैं आर्टिक, 69 उपर, आर्टिकल क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन के ऊपर आर्टिकल थ्री हंड्रेड एंड टेन ऑफ दिट्यूशन अबाउट डॉक्टरिटी विद रेफरेंस टू दिविल सर्वेंस डॉक्टर विद रेफरेंस टू सिविल जस्टिस विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंस या फिर डॉक्टर सर्वेंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका 310 से लेकर के 15 तक जो आपका पोर्शन दे रखा है ठीक है पब्लिक सर्विसेज के बारे में यहां दिया हुआ है डॉक्टर ऑफ प्लेजर आता है यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी क्या कहता है राइट टू नो द द एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट इन द इलेक्शन फ्लोस फ्रॉम अपने कैंडिडेट के बारे में जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है उसके बारे में जानना उसके एंटीसीडेंट जानना ये राइट right हमारा कहां से फ्लो करता है So the correct answer is Article 19, Clause 1, Sub-clause A, which is right to free uh, uh, speech and expression. fair question number 71, which says in the preamble of India uh, in the preamble of Indian Constitution, the expression liberty is followed by the words of liberty of status and opportunity, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Obviously, it is B, hello right?

Uh, ek on Or after first day of June uh, 2005, in respect of which no payment and benefit is received or receivable before maturity or redemption from infrastructure capital company or infrastructure capital fund or public sector company or scheduled bank, yeah, or see which of which the central government may by notification, official gadget specify in this behalf, yeah, for all of the above.

2016 में हुआ था यह अमेंडमेंट

and under with section of evidence uh, evidence act so कौन सी सेक्शन का ये इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं रिलेटेड ट्रांजेक्शन के बारे में बता रहा है आपके तो सेक्शन सिक्स जिसको हम रेस जैसे बोलते हैं उसका एक रेलेवेंट उसमें ये रेलेवेंट है फिर आता है, 75th जो कहता है 110 evidence, evidence, या फिर क्या आंसर है इसका बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप ठीक है फिर आते हैं 76 क्वेश्चन के ऊपर जो बताता है सेक्शन 113 ए ऑफ द इंडिया ऑफ द एविडेंस एक्ट डील्स विद प्रिजंपशन एज टू अबेटमेंट ऑफ मर्डर प्रिजंपशन एज टू रेप प्रिजंपशन एज टू अबेटमेंट टू किडनैप गर्ल प्रिजंपशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन 113 ए का ही के बारे में बात करता है दारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार हो गया नरेंद्र दत्त मजूमदार वर्सेज एम्प्र हो गया क्वीन एम्प्राल गंगाधर तिलक हो गया फिर आते हैं डिलिबरेट एंड मिलीशियंटेंडेड टू आउटरीच रिलीजियस फीलिंग

के पास में क्या पावर है कितना सेंटेंस जो है आपका पास कर सकता है है इजी क्वेश्चन और आपका बिल्कुल सेक्शन इन खोलोगे तो आपको इसका अलावा कुछ भी सेंटेंस पास कर सकते हैं एटीएथ क्वेश्चन है प्रोविजन रिगार्डिंग फाइलिंग सूट बाय एलियन अंडर दीपीसी इज डेल्ट विद डेल्ट अंडर And the answer is section 83. Question number 81 ke which is an order issued by the court under civil procedure code 1908 as per order 21 rule 46 for recovery amount due to the judgment creditor is known as a question. Question number 81. And the answer to this question is garnishee order. ठीक है तो इजी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भी नहीं यहाँ पर अटैचमेंट ऑर्डर सीपीसी के क्वेश्चन अच्छे इजी क्वेश्चन पूछे गए मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर सीपीसी में से द करेक्ट आंसर इज इंटरप्लीडर सूट ठीक है इंटरप्लीडर सूट दे रखा है आपके थर्टी फाइव के अंदर फिर है विज मेजर मींस विज मेजर का मतलब क्या होता है विज मेजर वॉट इज द मीनिंग ऑफ विज मेजर मीनिंग ऑफ विज मेजर इज एक्ट ऑफ गॉड According to the classical doctrine of act of state in law of torts means an act of the sovereign power of a country that cannot be challenged controlled or interfered by the municipal courts an act of the judiciary of a court uh, that cannot be challenged or controlled or interfered by the municipal courts and uh, courts an act of the sovereign power of a country that can be challenged controlled interfered But isme se answer एक तरीके से एक एक्सेप्शन है आप के टॉर्ट में जहां पर आप जो है चैलेंज नहीं कर सकते किसी का एक्ट विच इज एन एक्ट ऑफ अन है ना अगर एक्ट ऑफ स्टेट है तो आप एक्ट ऑफ स्टेट का क्या लग सकते हो डिफेंस ले जनरल डिफेंस वहां पर दिया हुआ है फिर आते हैं Question number 85 एड और डायरेक्ट टू डायरेक्ट और जॉइन इन दमिटी ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट आर नोन एज टॉर्ट में इन लोगों को क्या कहा जाता है टॉट होल्डर्स या फिर टॉट होल्डर्स इन कॉमन अब ये तो हमने दो बातें थोड़ा कम सुनी है अबेटर जो है वो होता है जो आपको इंस्टिगेट करता है कोई काम करने के लिए जो आपको अबेट करता है यहाँ पर किनसी बात कर रहा है लोगों ने मिल के कोई काम किया है सो वो क्या हो जाएंगे आपके जॉइन टॉट फीजर्स फिर है एमसी मेता श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर केस रिलेट्स टू ओलियम गैसली गंगा वोटर क्लीनिकाइल्ड लेबर बॉन्डेड लेबर Leak, है ना? अभी देखा था, के बारे में था तो गैस लीक के रिगार्डिंग है ये एक फर्टिलाइजर मेकिंग कंपनी थी जहाँ पर ओलियम गैस जो है लीक हो गई थी और बहुत लोगों को वहां पर जान और प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया था एक एक क्राइपार्क वर्स यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू द आंसर इज ऑफ बायस ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिर आ जाओ कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में भी देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ोगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर कुछ और पढ़ना मत पढ़ना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जरूर पढ़ लेना ठीक है फिर है जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मे बी एक्सरसाइज ऑन द ग्राउंड ऑफ डॉक्टर ऑफ या फिर एक्सक्लूजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू या ऑल ऑफ याब करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर एटी नाइन के ऊपर अभी तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है इससे ईजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन ही नहीं सकता था है ना काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है कि कौन से सेक्शन में सीपीसी के आपके रेस्ट जुडिकेटा के बारे में बात करी गई है क्वेश्चन सेक्शन है इलेवन फिर है सेक्शन 14 ऑफ द डिसीजन ऑफ ट्राइब्यून प्रम्श एज टू फॉरेन जजमेंट लोअर कोर्ट एज टू जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट ठीक है कि किन -किन में? का दिया हुआ जजमेंट को हम क्या मान लेंगे एक प्रॉपर जजमेंट मान लेंगे या आपका करेक्ट जजमेंट मान लेंगे फिर है ए रिजाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेस इन कोलकाता स्टेटमेंट डिफेमेटरी टू बी नाउ बी में सू ए जो रिजेक्शन पूछ रहा है कहां पे कौन किसको सू कर सकता है क्वेश्चन इज द आंसर इज इधर इन कोलकाता और इन दिल्ली ठीक है फिर है मेयर इन लीगैलिटी ऑफ द स्ट्राइक डज नॉट पर से स्पेल अनजस्टिफाइबिलिटी जस्टिस कृष्णा अयर नेम केस कौन से केस में स्ट्राइक के बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया था And the answer to this question is Gujarat steel tube versus Gujarat steel tubes Mazdoor Sabha. Okay, what is the answer? C is the answer. A workman agreed by the order of Dash may directly make an application to the labor court or the tribunal.

तो इस तरीके की प्रोसीडिंग वर्कमैन जो है कर सकता है चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इस क्वेश्चन नंबर 94 द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन कौन से ईयर में फॉर्मुलेट किया गया था या कंस्टिट्यूट किया गया था सो द करेक्ट आंसर इज 1988. What is the limitation period applicable to the three forums in entertaining a complaint under the Consumer Protection Act? Three years from the date of which cause of action has arisen. Five years, four years, YaFID two years. In which case, what is limitation period consumer forum a case case And the correct answer is two years from the date on which the cause of action has arisen. Then the next question is question number 96, which says under section 82 of the Indian Penal Code, nothing is an offence. विच इज डन बाई अ चाइल्ड अंडर दोली इनके बारे में बात करता है और क्या है सात साल की एज वहां पर दी हुई है 82 में. फिर है आपका आर वी फॉर द प्रिंसिपल ऑफ एन इनोसेंट लाइफ टू से डिफेंस एंड नेसेसिटी नॉट बी डिफेंस अगेंस्ट मर्डर किलिंग एंड इनोसेंट लाइफ टू सेविटेबल Killing out of mercy is a defense and necessity cannot be pleaded as a defense against murder. Yafir, none of the above. So the correct answer is A. Killing an innocent life to save his own is not a defense and necessity cannot be pleaded. Theke? Necessity ke regarding tha ye aapka question or important question hai? Ye. Important case hai. Ye.

वॉइड ठीक है ये क्या हो जाएगी वॉइड हो जाएगी मैरिज चलिए सो इसी के साथ में हमारा पेपर एनालिसिस खत्म हुआ लगभग हमने जो क्वेश्चन देखे हैं आपके 100 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन जो थे वो केस लॉ रिलेटेड क्वेश्चन थे एंड आप ऐसा कह सकते हो कि 50 परसेंट से ज्यादा पेपर जो था आपका वो मतलब प्योरली इंडेक्स बेस था इंडेक्स मतलब सिर्फ इंडेक्स बेस आपको खोलने की भी जरूरत नहीं है कि के अंदर क्या प्रोविजन दिया हुआ है सो so, इससे नहीं हो सकता है सेवनटीन हम, हम और डिस्कस करेंगे ठीक है और साथ ही में एक और गुड न्यूज ऑन बच्चों के लिए जो एआईबी प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि लीगल एज आफ्टर कॉलेज आप लोगों को लेकर के आ रहा है एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि एआईबी के, के पैटर्न पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी और आपका प्रैक्टिस और आपका जो प्रैक्टिस uh, इंश्योर कर सकते हो आप उन मॉक्स के थ्रू साथ ही में आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है ये भी आपको पता चल जाएगी ये मॉक टेस्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप लोग इसके बारे में इंक्वायर करना चाहते हो या ये, ये, टेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज जो है अवेल करना चाहते हो तो डू कॉन्टैक्ट ऑन गो टू गो टू आर पोर्टल सी द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड आप गिवन uh, नंबर्स पे जाकर के बात कर सकते हो डिटेल्स अवेल कर सकते हो और साथ ही में अपने आप को एनरोल कर सकते हो फ्री फॉर द फ्री मॉक टेस्ट सीरीज ठीक है चलो बाय गाइज हैव अ ग्रेट डे